हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ राशिका कपूर, आपकी कोडिंग इंस्ट्रक्टर। आज की क्लास में हम सीखेंगे HTML। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक ऐसी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो हमें अलाउ करती है वेबसाइट्स बनाने के लिए। HTML कंसिस्ट करती है एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। HTML के पास एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। नाउ सबको पता है कि केक कैसे बनाया जाता है ना। तो जैसे ही केक बनाया जाता है, उसके लिए हमें केक के लिए कुछ सामान चाहिए होता है, जैसे कि चीनी हो गया, आटा हो गया, हमारे पास एग्स हो गए, काफी चीजें होती हैं जो हम इंग्रेडिएंट्स, इन सबको मिला के हमारा एक केक बनता है ना। इसी तरीके से कई टैग्स को मिला के हमारा HTML कोड बनता है। जब भी हमें एक केक बनाना होता है, तो हम उस सारे इंग्रेडिएंट्स को लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं, और सिमिलरली हमारे पास सारे टैग्स हैं और हम उनको मिक्स करके HTML कोड बनाते हैं। हेड, टाइटल, बॉडी, HTML, डॉक टाइप, पी, बी आर, एच आर, क्या है ये सब टैग्स हैं। इन्हें हम कहते हैं टैग्स। अब टैग्स क्या होते हैं? टैग्स हमारी HTML फाइल जो है वो टैग से बनी होती है। टैग का एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक एंडिंग टैग होता है। अब देखिए, स्टार्टिंग टैग तो आप दोनों को इन ब्रैकेट्स में लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर रख सकते हैं, पर एंडिंग टैग क्या आ गया, आपको एक स्लैश लगाना होता है उस टैग को एंड करने के लिए। अब आप HTML टैग को चाहे कैपिटल में लिखें या स्मॉल में, एक ही बात है। अब वेबसाइट कैसे बनाई जाए, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट। सबसे पहले आप खोलेंगे अपना स्टार्ट पे जाके नोटपैड, टाइप करेंगे, उसके बाद उस नोटपैड को सिलेक्ट करेंगे, आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। अब ये HTML कोड लिखिए, HTML हेड टाइटल, माय फर्स्ट HTML टाइटल, हेड बॉडी हेलो वर्ल्ड, बॉडी टैग को क्लोज किया, HTML टैग को क्लोज कर दिया। अब डोंट पैनिक, हम एक एक लाइन आपको अच्छे से समझाएंगे। अब HTML स्टार्टिंग टैग और HTML एंडिंग टैग, HTML टैग का बेसिकली ये काम होता है कि वो हमारे ब्राउजर को बताता है कि जितना भी पार्ट हमारा HTML स्टार्टिंग और HTML एंडिंग टैग में आता है, वो सारा हमारा HTML कोड है। एक HTML फाइल शुरू भी HTML टैग से होनी चाहिए और खत्म HTML एंडिंग टैग से होनी चाहिए। दूसरा हमने टैग देखा था हेड टैग। हेड टैग बेसिकली हमारी हेड HTML हेडर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। एक इकलौता ऐसा हेड टैग ही होता है जो कहीं, जिसको अगर हम हेड टैग के अंदर कुछ भी लिखे, हेड टैग डिस्प्ले नहीं किया जाता, ठीक है। तो अब हेड टैग के अंदर आता है टाइटल टैग। जो भी हमारा टाइटल टैग के अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे, वो डिस्प्ले होगा लेफ्ट कॉर्नर पे, यानी कि टाइटल बार पे। वेब पेज का टाइटल हमारा होता है टाइटल टैग, और याद रखिएगा टाइटल टैग हमेशा हेड टैग के अंदर आना चाहिए। हेड टैग बेसिकली कंटेनर टैग होता है टाइटल टैग के लिए। देखिए, अब देखिए यहाँ पे टाइटल हेड टैग, टाइटल टैग आया है हेड टैग के अंदर, ठीक है। अब हमने पढ़ा बॉडी टैग। बॉडी टैग डिस्प्ले करता है सारा कंटेंट, जितना भी कंटेंट आप अपनी वेबसाइट में डालना चाहते हैं, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, और सिंगल ब्रेक्स, और कुछ भी कोई फॉर्मेटिंग टेक्स्ट आप डालना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग टैग्स आप डालना चाहते हैं, वो सब कुछ हमारा बॉडी टैग के अंदर डिस्प्ले होगा। अब देखिए डॉक टाइप HTML क्या होता है। डॉक टाइप HTML बेसिकली डिफाइन करता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट का टाइप है वो है HTML। अब देखिए फाइल पे जाइए, फाइल पे आपको ऑप्शन आएगा सेव एज का। ध्यान रखिएगा कि किसी भी HTML फाइल को सेव करने के लिए आपको .html या फिर .htm एक्सटेंशन लगानी ही पड़ेगी। जैसे हम डॉक्यूमेंट फाइल्स के लिए .doc लगाते हैं, जैसे हम एक्सेल फाइल के लिए .xls लगाते हैं, वैसे ही हम HTML फाइल के लिए या तो .html या फिर .htm लगाते हैं। अब हमने कोड बना लिया, सेव कर लिया, अब उसको देखें कैसे। सबसे पहले आप अपना ब्राउजर खोलिए। ब्राउजर खोलने के बाद आप ब्राउजर, जैसे ही ब्राउजर ओपन होता है, वैसे आप ऑल्ट बटन दबाइए। ऑल्ट बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको एक फाइल ऑप्शन दिखेगा। फाइल ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे, आप ओपन पे जाएं, और जो भी आपकी लोकेशन है, जो भी आपकी फाइल की लोकेशन है, उसे कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही आप ब्राउज करेंगे, आपके पास आपकी फर्स्ट HTML फाइल आ जाएगी। अब क्या होता है, कुछ बच्चों से ये तरीका नहीं हो पाता, कुछ बच्चों को ये तरीका थोड़ा मुश्किल लगता है, तो उसी तरीके से हम एक और तरीका है। सबसे पहले आपने अपना नोटपैड खोला, कोड टाइप किया, उसके बाद आपने फाइल सेव कर ली .html एक्सटेंशन से, उसके बाद आप फाइल पे जाइए,
राइट क्लिक करिए, जो एक ड्रॉप बॉक्स आपको दिखेगा उसमें ओपन विद ब्राउजर पे क्लिक करिए और आपको आपका आउटपुट दिख जाएगा। अब ले लेते हैं एक एग्जाम्पल गूगल का। गूगल के एग्जाम्पल में ही बहुत सारे टैग्स यूज होते हैं, जैसे कि कुछ टैग लोगो रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं, कुछ टैग सर्चिंग के लिए होते हैं, कुछ टैग रिकॉर्ड्स फेच करने के लिए होते हैं। तो जैसे हम ये देखते हैं गूगल पे, ये बेसिकली हमारा इमेज टैग होता है। गूगल ये एक इमेज है। अब ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है तो ये टेक्स्ट बॉक्स टैग हो गया। ये बटन्स हैं हमारे दोनों, ये बटन टैग हो गए। अब यहाँ देखिए एडवर्टाइजिंग बिजनेस अबाउट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बेसिकली इसीलिए होता है कि वो आपको एक पेज से लेकर एक पेज वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे लेके जाए। तो ये हमारा हाइपरलिंक टैग हो गया। अब एट्रीब्यूट क्या होता है टैग का? एट्रीब्यूट बेसिकली क्वालिटी है। एट्रीब्यूट हमें एक्स्ट्रा क्वालिटीज एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है एक टैग की। जैसे कि एक एप्पल है, ये एप्पल रेड इन कलर है, ये उसकी क्वालिटी है, ठीक है। ये स्वीट है, एप्पल इसकी एक क्वालिटी है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं एट्रीब्यूट में, बॉडी टैग। बॉडी टैग के पास जनरली हम यूज करते हैं बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, साइज। तो जो भी हम बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू इमेज ऑफ द बैकग्राउंड का लिंक डालते हैं, बीजी कलर हम जो कलर डालते हैं वो बेसिकली उसकी एट्रीब्यूट हो गए। आईडी उसकी नेम ऑफ द बॉडी डालते हैं तो वो सब उसका एट्रीब्यूट हो गया। अब क्या बताता है हमें बॉडी टैग के बारे में? बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर ऑफ द इंटायर वेब पेज बताता है। बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड क्या बताएगा? बैकग्राउंड इमेज क्या होगी पूरे वेब पेज की। आईडी बताएगा। अब इतने सारे हमारे पास टैग्स होते हैं तो हम एक स्पेसिफिक आईडी असाइन कर देते हैं ताकि हम एक टैग को प्रोग्राम के थ्रू सर्च कर सके। नाउ इस क्लास में हमने समझा कैसे हम HTML क्या होता है, जो कि होता है ऐसी लैंग्वेज जो वेब पेजेस क्रिएट कराती है, कैसे एक सिंपल हेलो वर्ल्ड डॉट HTML की फाइल बनाना हमने सीखा टैग्स के थ्रू, हमने एट्रीब्यूट टैग्स और HTML स्ट्रक्चर के बारे में सीखा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।